नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे इस खास स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। जब दिन की शुरुआत हुई तो एक अच्छे कप चाय की जरूरत थी, और साथ ही इस बात की भी जरूरत थी कि जब हम न्यूज़पेपर उठाएं या सोशल मीडिया पे जाएं तो ये देख पाएं कि वेस्ट इंडीज ने अपनी T20 टीम क्या कुछ अनाउंस की है, क्योंकि देर रात तक किसी को पता नहीं था कि T20 टीम क्या कुछ होने वाली है वेस्ट इंडीज की, और कौन सी वो टीम होगी, कौन कप्तान होगा जो टॉस करने आएगा रोहित शर्मा के साथ, यानी कि सब कुछ डालमा था। बहरहाल, जब सुबह सुबह आंख खुली शुक्रवार के दिन, तो सबसे अच्छी खबर ये थी कि वेस्ट इंडीज ने अपनी टीम अनाउंस कर दी थी, और इस टीम में कुछ अच्छे खिलाड़ी की वापसी हुई, यानी कि एक बड़ी और जोरदार सीरीज की उम्मीद अब हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेस्ट इंडीज की टीम बता देता हूँ जो T20 स्क्वाड अनाउंस किया है वेस्ट इंडीज ने। निकोलस पूरन कैप्टन होंगे जो ODI टीम में भी थे। इसके अलावा पावल टीम में है, ब्रूट से ये सारे वनडे के प्लेयर हैं। डोमिनिक ड्रैक्स हैं जो जिनकी कॉल हुई है T20 के लिए। शिमरन हेटमायर को बुलाया गया है। जेसन होल्डर हैं, अकील हुसैन, जोसेफ अल्जारी जोसेफ जो बहुत अच्छी T20 में गेंदबाजी करते हैं। फिर किंग जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ODI सीरीज में। मायर्स एक और लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन, उनको टीम में जगह मिली। क्लिन मैकॉय अच्छे ऑलराउंडर हैं। एक कीमो कॉल एक तेज गेंदबाज। ऑडियन स्मिथ की टीम में वापसी हो रही है जो बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं और शॉर्ट पिच गेंदबाजी के लिए अपने मशहूर हैं। फिर इसके अलावा हेडन वॉश और डेवोन और थॉमस, ये जो स्क्वाड है वेस्ट इंडीज का, ये आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, और इस पर अब चर्चा हम करेंगे क्योंकि अब से कुछ ही घंटों के बाद T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा। राजकुमार सर, थोड़ा सरप्राइज है, कम से कम हमने तो कभी क्लब स्टैंडर्ड पे भी नहीं देखा कि कोई मैच शुरू होने वाला और टीम का ही ना पता हो सामने वाले में। ये पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ था कि एक टीम पहुंच गई है और वेट कर रही है कि टीम अनाउंस हो जाए ताकि उनको पता चले किसके साथ खेलना है। अब चलिए, एक बात की तो राहत है कि भारतीय टीम भी जब सुबह उठी होगी वेस्ट इंडीज में, या देर रात उनको पता चला होगा, क्योंकि 12 घंटे का फर्क है लगभग, देर रात उनको पता चला होगा कि वेस्ट इंडीज ये टीम है, और अब उनको कुछ अलग तरीके की रणनीति बनानी है, क्योंकि हेटमायर भी आ गए, स्मिथ को भी लिया है, ओडियन स्मिथ को भी, डोमिनिक ड्रैक्स आ गए उनकी टीम में, तो T20 स्पेशलिस्ट ढेर सारे बुला लिए हैं कैरेबियन बोर्ड ने। बिल्कुल राजीव, और ये अच्छी बात है कि ये टीम अनाउंस हुई। और ये एक बड़ा डिलेमा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है टीम के सिलेक्शन में, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वेस्ट इंडीज बोर्ड में काफी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स रही हैं और काफी डिस्प्यूट्स रहे हैं। तो एक डर सा था कि क्या वजह है कि टीम डिक्लेयर नहीं हो रही। और खैर, फॉर्चुनेटली अच्छा हुआ है कि टीम अनाउंस हो गई है और एक शानदार टीम वेस्ट इंडीज उतार रहा है, तो एक शानदार मुकाबला होने की आशा है राजीव अभी भी। लेकिन बहुत उम्मीद थी कि आंद्रे रसल इस टीम में होंगे, लेकिन जो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं T20 क्रिकेट के वो नहीं है। लेकिन हेटमायर या बाकी जो प्लेयर्स आए हैं उनके आने से काफी स्ट्रांग लग रही है वेस्ट इंडीज की T20 टीम। बिल्कुल। और अगर मैं वेस्ट इंडीज की टीम पे नजर डालूं, राजकुमार सर, तो थोड़ी रणनीति अब रोहित को बदलनी पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स बड़े ढेर सारे आ गए। निकोलस पूरन मिडिल ऑर्डर में है, इसके अलावा हेटमायर मिडिल ऑर्डर में आ गए, यानी दो क्वालिटी लेफ्ट हैंडर्स जिन्होंने आईपीएल में भी अपना इम्पैक्ट छोड़ा। ओपनिंग में जाए तो मायंस उनके पास, जिन्होंने T20 में बहुत ODI क्रिकेट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। फिर किंग जो बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंडर्स थोड़े से बढ़ गए हैं। अकील हुसैन एक और उनका ऑलराउंडर जो लेफ्ट हैंडर है, क्या लेफ्ट हैंडर्स की अब बढ़ती तादाद को देख के रोहित शर्मा को रणनीति बदलनी पड़ेगी इससे T20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए? बिल्कुल राजीव, ये चेंजेस हो सकते हैं कि आप एक अटेम्प्ट हो कप्तान एक ऑफ स्पिनर के लाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बहुत इजी होता है लेफ्ट हैंडर्स के लिए खेलना। और अक्सर कहा जाता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं करते हैं लेफ्ट हैंडर को, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है, एक फ्री हिट हो जाता है मिड विकेट पे या स्लॉग स्वीप पर जिस तरह लेफ्ट हैंडर खेलता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक रणनीति भारत की और रोहित शर्मा की रहेगी कि एक ऑफ स्पिनर अगर टीम में हो तो अगर पांच लेफ्ट हैंडर होते हैं तो वो बहुत यूजफुल होगा। और शायद रोहित शर्मा और राहुल दीक्षित राहुल द्रविड़ इस पे जरूर सोचेंगे भी और काम भी करेंगे। राजकुमार सर, आपको लग रहा है कुलदीप यादव का रोल अब थोड़ा बढ़ जाएगा और उनको पांचों मैच खिलाए जाने चाहिए, देखा जाए कि किस तरह के फॉर्म में है, क्योंकि अजमेर चहल टीम में नहीं है, तो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और साथ में कुलदीप यादव और अश्विन, ये चार ऑप्शन है स्पिन के। पहले दो ऑप्शन आप किसको देख रहे हैं वेस्ट इंडीज की, जिस तरह की स्क्वाड आपने देखा?
देखिए राजीव, 5 लेफ्ट हैंडर हैं तो मुझे अश्विन तो जरूर खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस टीम में, और साथ में कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है क्योंकि उनके पास वेरिएशन है, एक मिस्ट्री बॉलर टाइप के आप हो सकते हैं वो जडेजा को वेस्ट ड्रॉप इंडीज। करेंगे राजकुमार सर, या आप तीन स्पिनर खिला देंगे जडे फिर? नहीं, जडेजा अगर फिट हो गए हैं तो देखिए पहला तो उनका ही बनेगा, मतलब फिर मैं जडेजा और अश्विन के साथ जाऊंगा। कुलदीप यादव को थोड़ा वेट करना होगा कि वंस भारत ये सीरीज जीत जाए उसके बाद फिर शायद कुलदीप को चांस मिले। 3 स्पिनर खिलाना मुझे लगता है कि ऑन दैट टू विद 5 लेफ्ट हैंडर्स राजीव बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जी दो आप लेफ्ट आर्म नहीं खिला सकते हैं 5 लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। तो मेरा मानना है कि अश्विन जरूर खेलेंगे, और शायद अश्विन को लिया भी इसीलिए गया होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, जी और अश्विन ने लेटली दिखाया है कि वो एक ऑलराउंडर का रोल भी निभा सकते हैं। तो जडेजा और अश्विन मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, तो ये दोनों फर्स्ट चॉइस होंगे भारतीय 11 में। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर हमने चर्चा कर ली, और कुछ खतरनाक खिलाड़ी वेस्टइंडीज की टीम में आ गए, जैसे कि रोमन पॉवेल एक और डेंजरस खिलाड़ी है, राइट हैंड बैट्समैन है। फिर जैसे कि हमने बात की हेटमेयर और निकोलस पुरन अकेले दम पे मैच जिताने का मादा रखते हैं। एक और खिलाड़ी ऑडियन स्मिथ की यहाँ पे अगर बात करें, जो अपनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी यानी हार्ड लेंथ गेंदबाजी और साथ ही बिग हिटिंग के लिए बहुत मशहूर है ना, कि आईपीएल में उतना अच्छा इम्पैक्ट था नहीं। ओडियन स्मिथ, टीमो पॉल, अलजारी जोसेफ की तिकड़ी, राजकुमार सर, ये तीनों हार्ड लेंथ वाले गेंदबाज हैं, कैसी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? रोहित शर्मा हो या ऋषभ पंत के बारे में बात कही जा रही कि उन्हीं से ओपन कराया जाएगा, नंबर 3 पे दीपक हुड्डा खेलेंगे, तो टॉप 4 के लिए कितनी मुश्किलें कर सकते हैं, यानी कि रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, नंबर 3 पे हुड्डा और 4 पे सूर्य कुमार यादव। देखिए राजीव, टेस्टिंग तो होगी और बहुत बड़ा रोल होगा इसमें रोहित शर्मा का कि वो किस तरह वो काउंटर अटैक करते हैं इस गेंदबाजी पर, क्योंकि अगर आप देखें वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वर्ल्ड में शायद बेस्ट खेलते हैं वो शॉर्ट पिच डिलीवरी को। तो वहां पर अगर ये बोलर स्टैम्प्ड होते हैं भारत को शॉर्ट पिच गेंदबाजी करके या हार्ड लेंथ से भी, हमने देखा है कि रोहित आगे से फ्रंट फुट से भी अच्छे पुल मारते हैं। तो जब तक आप इन प्लेयर्स को काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो ये एक हार्ड लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को, जिसकी आदत नहीं है भारतीय बल्लेबाजों को खेलने की, तो मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो इस केस में मुझे लगता है कि रोहित का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो अगर चलते हैं तो वो बहुत अच्छा काउंटर अटैक कर सकते हैं और फिर एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं मिडिल ऑर्डर के लिए कि उसको कैपिटलाइज करने के लिए। मैं आपको भारतीय टीम जो हमने इंडिया में उसके लिए बनाई थी प्लेइंग 11 राजकुमार सर, वो बता देता हूँ। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत पारी की शुरुआत करेंगे। ये खबरें भी आ रही कि ऋषभ को ज्यादा मौके दिए जाएंगे सीरीज में, हो सकता है 5ों मैच में ओपन करें और उनको देखा जाए कि वो कितने तैयार है ओपन के लिए। नंबर 3 पे दीपक हुड्डा, 4 पे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, फिर 6 पे दिनेश कार्तिक एज एज वेल। उनके लिए भी बड़ी सीरीज है कि उनको 5ों मैच में देखा जाएगा। बहुत ज्यादा उनको हाइप किया गया, बट हमने देखा इंग्लैंड और आयरलैंड में क्या कुछ हुआ। फिर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह, ये हमने प्लेइंग 11 बनाई हुई है। आप कितने सहमत हैं ऐसे राजकुमार सर? नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ राजीव कि ये बिल्कुल ठीक टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि कुलदीप की जगह मैं शायद अश्विन को खिलाऊंगा क्योंकि ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं उस टीम में। बाकी मुझे लगता है कि सेम बैटिंग ऑर्डर ही होने वाला है, और काफी स्ट्रांग लग रही है भारतीय टीम भी, और मुझे लगता है कि ज्यादा इक्विप्ड है वेस्ट इंडीज के मुकाबले, क्योंकि भारत के पास बहुत एक्सपीरियंस्ड टीम है जो कि लंबे समय से T20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगर अपने पोटेंशियल पर खेलती है तो भारत के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस सीरीज में। यार राजकुमार सर, ये सीरीज क्योंकि 16 मैचेस रह रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, यानी कि ये 5 मैच हटा दें तो फिर हम 11 मैचेस और रह जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले। कैसे आप देख रहे हैं इन 5 मैचों में, क्या आप अपने उन बेस्ट 15 खिलाड़ियों में से ही आप खिलाना पसंद करेंगे? आप उनको ज्यादा मैचेस देना पसंद करेंगे T20 में, जिसकी जिसका आगाज आज से हो जाएगा? मसलन हम ऋषभ पंत को ओपन कराने की बात कर लें, दिनेश कार्तिक को मैच फिनिशर की बात कर लें, या अर्शदीप सिंह को खिलाने की बात कर लें, अगर आपको लेफ्ट आर्म सीमर ले जाना है तो आप उनको 5 मैच दें कम से कम। और ठीक उसी तरह से कुलदीप यादव, अगर आप यजुवेंद्र चहल के साथ एक और स्पिनर खिलाना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनको 4 से 5 मैच मिलने चाहिए, ये देखने के लिए आप कितने तैयार हैं। आप सहमत हैं ये, क्या ये रणनीति होनी चाहिए राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की इस पूरी सीरीज में? देखिए राजीव, अब समय आ गया है कि काउंटडाउन का समय है, ये 15 मैचेस बचे हैं, तो आपको अपनी बेस्ट 11 ही खिलानी होगी। आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको एक सेटल्ड टीम चाहिए। हम पिछले वर्ल्ड कप में हम नंबर 4 ढूंढते रह गए, जब 50 ओवर्स का टूर्नामेंट था और लास्ट में
विजय शंकर को हमने खिलाया, तो वो एक जो मूव था वो फेल हुआ हमारा, और उसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है एक आधा एक्सपेरिमेंट तो आप कर सकते हैं, किसी जैसे दिनेश कार्तिक है, आप उसको ट्राई कर उनको ट्राई कर सकते हैं कि वो फिनिशर के रोल में कितने सक्सेसफुल हैं, या ऋषभ पंत, लेकिन कि ऋषभ पंत को आप ओपन करा कर देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का अब समय नहीं रह गया है। अर्शदीप सिंह जरूर एक शानदार प्रतिभा है, आप उनको 2-3 मैचेस जरूर दीजिए कि देखिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन T20 में बहुत ही शानदार रहा है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप थोड़े बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको अपनी एक सेटल्ड टीम खिलानी होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत दूर नहीं है, और आपको एक टीम कॉम्बिनेशन बनाना होगा। बार बार आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि सूर्या को नंबर 3 पे खिलाएं या सूर्या को नंबर 5 पे ले जाएं, इस तरह के अब एक्सपेरिमेंट का टाइम निकल गया है। अब आपको अपनी एक सेटल्ड टीम, जो आप सोचते हैं कि हमारी बेस्ट 11 होगी 11 में जो हम वर्ल्ड कप में खिलाएंगे, उस तरफ देखना होगा। जी राजकुमार सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर और है जिसपे बात करना बहुत जरूरी है, और वो फैक्टर है कि इस सीरीज में जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, सपोज आपके 8 या 9 खिलाड़ी आपने फाइनल कर लिए, इनके साथ आप वर्ल्ड कप जाएंगे, क्या आपको लगता है इनको सारे मैच देने चाहिए खेलने के लिए, 5 के 5ों मैच? बिल्कुल राजीव, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। खुद रोहित शर्मा सारे मैचेस खेलें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिल्कुल वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं नजर आ रहे थे लेटली, तो अच्छा है उनके लिए, बहुत अच्छा मौका है कि वो बड़े स्कोर बनाएं और वो एक अच्छी फॉर्म में आ जाएं वर्ल्ड कप से पहले। इसी तरह सूर्य, अगर आप देखें सूर्या को भी, उनके भी बहुत रन नहीं बने राजीव इंग्लैंड में, या अभी वनडे क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो इस तरह के कुछ प्लेयर जो सैटर्निटी हैं लेकिन अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मौका है ये कि वापस अपनी फॉर्म पकड़े, यहाँ पर एक दो बड़ी इनिंग्स खेलकर एक दो मैचेस जिताकर। तो वो बहुत जरूरी होगा भारतीय टीम में कि इस तरह के जो प्लेयर हैं, जो सैटर्निटी है टीम में, वो जरूर परफॉर्म करें और वो सारे मैचेस खेलें। राजकुमार सर, आखिरी 2 सवाल, एक तो सवाल भुवनेश्वर कुमार को लेके, आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद आपको लग रहा है उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है, या आप इन 5 मैचों को और देखना चाहेंगे एज अ फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार का कंट्रीब्यूशन, और साथ ही हर्षल पटेल जिनको ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि वो भी पक्के हैं, क्या उनको भी आप देख के उसके बाद डिसाइड करेंगे, या टीम मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई होगी भुवनेश्वर कुमार हर्षल पटेल को लेकर? राजीव देखिए, सैटर्निटी तो मैं अभी इतनी जल्दी नहीं कहूंगा, भुवी जरूर एक शानदार उन्होंने कमबैक किया है। एक समय लग रहा था कि शायद बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं बची है भुवी में, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने कमबैक किया है और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। तो लेकिन टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स अभी देखना चाहेंगे कि आने वाले मैचेस में वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। और जहां तक हर्षल पटेल की बात है, तो उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, लेकिन ये जो अब बिल्डअप मैचेस हैं वर्ल्ड कप के लिए, ये इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि कौन बेटर परफॉर्म करता है और अपनी जगह पक्की करता है। क्योंकि आप अगर इन मैचेस में अनफॉर्चुनेटली अगर बहुत बुरी तरह फेल होते हैं, तो आपके चांसेस खत्म भी हो सकते हैं। अभी आप एक स्ट्रांग कंटेंडर हैं दोनों, भुवी तो खास करके बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हैं वर्ल्ड कप में जाने के लिए, और यहाँ से अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो वो जरूर भारतीय टीम में होंगे। चलिए आखिरी सवाल राजकुमार सर, क्योंकि वनडे में क्लीन स्वीप हमने किया, लगभग वेस्ट इंडीज टीम वैसी नजर आ रही है, हालांकि 3-4 T20 स्पेशलिस्ट जरूर आए हैं, बट आंद्रे रसल टीम में नहीं है, शेल्डन कॉटरेल टीम में नहीं है जो लेफ्ट आर्म सीमर उनके होते थे, तो टीम अभी भी वेस्ट इंडीज की पूरी नजर नहीं आ रही है T20 के लिहाज से, ऐसे में क्लीन स्वीप की गुंजाइश आप देख रहे हैं, या लग रहा है थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है T20 में? नहीं राजीव, क्लीन स्वीप हमने वनडे में किया, लेकिन वहां भी अगर आप देखें पहले 2 मैचेस तो बहुत क्लोज गए थे वो, ऐसा नहीं था कि हम वन साइडेड या बहुत कन्विंसिंगली जीत गए। तो और यहाँ पर T20, तो ये फॉर्मेट वेस्ट इंडीज को बहुत त्रास आता है, और उनके पास मादा है इसमें किसी भी टीम को अपसेट करने का, और बड़े स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है उनका, अच्छे बड़े हिटर्स हैं, इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं, अपने दम पर मैच जिताने वाले प्लेयर हैं। तो यहाँ पर भारत को बहुत चौकन्ना रहना होगा, और एक शानदार सीरीज मुझे लगता है कि देखने को मिलेगी, और मैं चाहूंगा कि भारत पहले सीरीज जीतने की तरफ देखे, क्लीन स्वीप की तरफ बाद में देखे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तो बड़ा अपडेट ये है कि वेस्ट इंडीज ने भारतीय समय अनुसार बहुत देर रात अपनी T20 स्क्वाड अनाउंस किया, जहां पे शिमरन हेटमायर की वापसी हुई, ऑडियन स्मिथ टीम में है, डोमिनिक ब्रैक्स टीम में आ गए हैं, तो ये कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो टीम को बहुत मजबूती देते हैं, और
वनडे सीरीज की तरह T20 सीरीज शायद भारतीय टीम के लिए उतनी आसान ना हो। जैसा कि राजकुमार सर ने भी कहा कि T20 फॉर्मेट वेस्टइंडीज क्रिकेट को बहुत रास आता है, क्योंकि लठमार क्रिकेट होती है, आपको पावर प्ले करना पड़ता है, यानी कि पावर फुल क्रिकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। लठमार क्रिकेट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि जिसका बल्ला चला उसी के हाथ ट्रॉफी जाएगी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि किसका बल्ला ज्यादा जोर से चलता है, खासतौर से पहले 6 ओवर और आखिर के 4 ओवर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।